हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे टोलेंस रिएजेंट एंड टोलेंस टेस्ट. ओके, नाउ गाइस, टोलेंस रिएजेंट जो था एक जर्मन केमिस्ट ने दिया था, जिनका नाम था बर्नहार्ड टोलेंस. ओके, तो बर्नहार्ड टोलेंस ने दिया था आपका टोलेंस रिएजेंट, और उसी से बना टोलेंस टेस्ट. टोलेंस रिएजेंट गाइस एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, राइट? और जो कि जनरली एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज कर देता है, राइट? एक दो रिएजेंट और, एक दो कंपाउंड्स और हैं गाइस, जिन टाइप के कंपाउंड को ये ऑक्सीडाइज कर सकता है, उनके बारे में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, राइट? तो बेसिक जो मेन जो टोनर रिएजेंट का काम है वो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करने में काम आता है. कीटोन्स को ये ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको एक वीडियो में कि गाइस जो कीटोन्स हैं उनके पास कोई ऑक्सीडाइजेबल एच नहीं है, जैसे ये, राइट? मैंने आपको बताया था कि जब भी आप ऑक्सीडेशन होता है, जो प्रोसेस होता है मीथेन से, राइट, ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये जो एच हैं, राइट, ये ऑक्सीडाइजेबल एच होते हैं. तो जैसे जैसे स्टेप वाइज आप ऑक्सीडेशन करते हो, राइट, तो ये एच ओ एच से रिप्लेस हो जाते हैं, राइट? जैसे यहाँ पे एल्केन था, यहाँ से एल्कोहल हुआ, अगेन इसे ऑक्सीडाइज करोगे तो दूसरा एक ऑक्सीडाइजेबल एच होगा, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, राइट? एंड अगेन एक कार्बन पे दो ओ एच अनस्टेबल होते हैं तो ये बन के एल्डिहाइड या कार्बोनिल कंपाउंड बन जाता है, राइट? एंड अगेन जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो एक जो ये बचा आपका एच, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, राइट? तो ये जब सी डबल बॉन्ड ओ एच एंड ओ एच एंड एच यानी कार्बोनिल कंपाउंड बन गया. अगेन जब फाइनल आप इसको फिर से ऑक्सीडाइज करते हो तो जो ये बचा हुआ ऑक्सीडाइजेबल एच है ये फिर से ऑक्सीडाइज हो जाता है, राइट? राइट गाइस, सो अगेन ये जो ओ एच एंड एच अनस्टेबल होते तो आपको सी ओ टू गैस एंड में निकल जाती है. इसका मतलब क्या हुआ? एल्डिहाइड्स किसी भी माइल्डर रिड्यूसिंग एजेंट्स भी होंगे, उनके साथ भी ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्योंकि इनके पास एक ये ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन होती है, लेकिन क्योंकि कीटोन्स के पास ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन नहीं है, ये ऑक्सीडाइज नहीं होते. इनफैक्ट मैंने आपको बताया था KMnO4 एसिडिक या HNO3 इन सब के साथ करेंगे तब होगा, ये ब्रेक हो जाती है और पॉप ऑफ रूल है, डेट्स अनदर केस, राइट? सो मैंने आपको बताया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइज कर देता है. नाउ इसी के टेस्ट को कंफर्म करने के लिए प्रेजेंस को एल्डिहाइड्स की या जिन कंपाउंड्स को ये पॉजिटिव टेस्ट देता है उनकी कंफर्म करने के लिए ये होता है टोलेंस टेस्ट, राइट? नाउ गाइस, टोलेंस टेस्ट का एक नाम और है जिसको हम बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट, राइट? सिल्वर मिरर टेस्ट क्यों होता है? एंड में गाइस कुछ प्रेसिपिटेट बनता है, वो जैसे जैसे आप रिएक्शन देखेंगे आपको समझ में आएगा. आई होप आपको अब तक ये चीज़ें समझ में आई होंगी. ना गाइस, जो टोलेंस रिएजेंट है उसको हम कई तरीके से लिख सकते हैं, यानी अगर आपको रिएक्शंस में इनमें से कुछ लिखा हुआ आएगा तो आप ये मान के चले कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन होनी है, और अगर एल्डिहाइड्स या कुछ दूसरे रिएजेंट्स हैं वो कंपाउंड्स हैं तो वे ऑक्सीडाइज हो जाएंगे. कैसे होंगे वो देखने से पहले रिएजेंट्स क्या है. बेसिकली गाइस, टोलेंस रिएजेंट को हम अमोनिकल AgNO3 यानी अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट भी बोलते हैं, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन. या इसको अगर आपको अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट आया, या सपोज आपको रिएक्शन में AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस NH4OH आया, राइट, या आपको AgNO3 प्लस एक्वस अमोनिया लिखा आया, राइट, और ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये गाइस, इस एक्वस अमोनिया ही होता है, एक्वस अमोनिया है, NH3 को वाटर में डालेंगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड ही मिलता है, हैंस आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट. इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि AgNH3 ट्वाइस प्लस, इसको बोलते हैं गाइस डाई अमाइन कॉम्प्लेक्स है एक, राइट, ये एक डाई अमाइन कॉम्प्लेक्स है. इन
अगर ये NaOH या OH में के साथ प्रेजेंट होगा तो AgNH3 ट्वाइस, राइट, क्योंकि आयन है. अगर OH के साथ नेगेटिव चार्ज दोगे तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, डाइअमाइन सिल्वर हाइड्रोक्साइड. सो गाइज, ये थी चीज़ें कुछ जिनसे रिप्रेजेंट कर सकते थे. एक और है गाइज जो जनरली क्वेश्चंस में आती है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं. इनके अलावा अगर आपको रिएक्शन में Ag2O, राइट, Ag2O प्लस H2O या Ag2O प्लस H3O प्लस, राइट, या Ag2O प्लस HCl या Ag2O प्लस H आयंस, राइट, इस टाइप से कुछ दिखे तो आप ये समझ जाएं कि ये टोलेंस रिएजेंट है. राइट गाइज, आई होप मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको इजी करने के लिए कर रहा हूँ ये. क्योंकि अगर आपको देखिए गाइज, अमोनिकल AgNO3 का मतलब क्या है, अमोनिकल मतलब AgNO3 को अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डाल दिया, राइट. अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हम एक्वस अमोनिया भी बोल सकते हैं, क्योंकि NH3 को अगर आप H2O में डालोगे तो आपको NH4OH ही मिलता है, राइट. इरिवर्सिबल क्यों, क्योंकि एक वीक एसिड बेस रिएक्शन है. इसलिए आप AgNO सिल्वर नाइट्रेट को एक्वस अमोनिया में डाल सकते हैं. नाउ गाइज, ये जो रिएक्शन है ये जब कंबाइंड होती है तो आपको AgNH3 के ट्वाइस प्लस डायमाइन कॉम्प्लेक्स मिल सकता है. और क्योंकि H2O होगा वाटर के साथ जो भी या कोई एसिड बेस है उसमें डायमाइन सिल्वर हाइड्रोक्साइड बोल सकते हैं, राइट. अब ये तो है, लेकिन ये गाइज अगर आपको ये भी दिया हुआ हो और ये क्यों दिया है आपको समझ में आएगा जैसे जैसे मैं रिएक्शन बताऊंगा, तो आप इसको टोलेंस रिएजेंट ही मानेंगे. ओके गाइज, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जैसे नाउ गाइज देखते हैं कि कौन कौन से जो कंपाउंड्स हैं वे टोलेंस टेस्ट देते हैं पॉजिटिव, मतलब रिएक्शन कर सकते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, और कौन से जो नेगेटिव टेस्ट देते हैं, राइट गाइज. सो जैसे मैंने आपको बताया एल्डिहाइड्स तो देंगे ही, राइट, क्योंकि इनमें एक ऑक्सीडाइजेबल एच है. अगेन ये एरोमेटिक एल्डिहाइड्स भी देते हैं क्योंकि इसमें अगेन आपके पास एक ऑक्सीडाइजेबल एच प्रेजेंट है. नाउ गाइज, ये जो कंपाउंड है ये क्या लिखते हैं इसको, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स, राइट. अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स भी पॉजिटिव टेस्ट देते हैं. इनफैक्ट ये गाइज ये इकलौता टाइप का कीटोन्स होते हैं ये जो कि पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, राइट. नहीं तो कीटोन्स अगर आप देखेंगे जैसे ये पॉजिटिव टेस्ट नहीं देते, नेगेटिव टेस्ट देंगे. रीजन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. नाउ व्हाई, ऐसा क्यों है कि जो ये आपका अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन से पॉजिटिव टेस्ट क्यों देते हैं, ये जब हम एक बार रिएक्शन समझ लेंगे गाइज उसके बाद हमें ईजी हो जाएगा. ओके, सिमिलरली एल्काइंस भी गाइज, स्पेशली जो ये टर्मिनल एल्काइंस हैं, टर्मिनल एल्काइंस भी पॉजिटिव टेस्ट देते हैं. टर्मिनल एल्काइंस क्या होता है, जिसमें जो ट्रिपल बॉन्ड है चेन के एंड में होता है, यानी एक ये जो एच है एसिडिक एच जिसे बोलते हैं वो अवेलेबल होना चाहिए. ओके, सिमिलरली जनरली क्या होता है गाइज, एसिड्स या एल्कोहल्स ऑक्सीडाइज नहीं होते टोलेंस टेस्ट के साथ या टोलेंस रिएजेंट के साथ, लेकिन एक टाइप का आपका एसिड होता है कार्बोक्सिलिक एसिड जिसे बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, HCOOH, राइट, जिसे आप HC OH लिख सकते हैं, ये ऑक्सीडाइज हो सकता है माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट से भी. क्यों गाइज, अब देखिए गाइज क्या होता है, जब आप एल्केन से एल्कोहल, एल्कोहल से आप एल्डिहाइड या कीटोन, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड तक आते हैं और उसके बाद जब CO2 पे आते हैं, राइट. सो गाइज कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 गैस तक आने में है ना वेरी स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने चाहिए, बहुत स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर प्रेजेंट हैं, फॉर एग्जांपल जैसे पोटेशियम परमैंगनेट इन एसिडिक सॉल्यूशन KMnO4 इन HN आयंस, तभी ये CO2 में कन्वर्ट हो सकते हैं, राइट. दैट इज वाई ये जो RCOOH हैं, राइट, ये माइल्ड रिड्यूसिंग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक टोलेंस टेस्ट, टोलेंस रिएजेंट, इनसे ऑक्सीडाइज नहीं होते, राइट. आया समझ में आपको. सो इसी वजह से ये क्या कंपाउंड्स हैं ये भी ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, बट
इन केस ऑफ जो आपका फॉर्मिक एसिड है, एक अगर आप यहाँ देखें एच, ये ऑक्सीडाइजेबल एच प्रेजेंट होने की वजह से ये ऑक्सीडाइज हो सकता है, राइट गाइज। सिमिलरली ये गाइज, ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये कीटोन है एरोमेटिक, ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा। लेकिन गाइज कुछ टाइप के जो कुछ कंपाउंड्स है जैसे अमोनियम, जैसे आर एन एच ओ एच, जो बोलते हैं आप अल्फा हाइड्रोक्सी अमीन्स, राइट, अल्फा हाइड्रोक्सी अमीन्स, या हेमी एसिटल, राइट, ये भी पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। इनके बारे में हम एंड में पढ़ेंगे, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूं आपको, राइट। आप एक बार एल्डिहाइड का केस समझ जाएंगे तो आप बाकी की चीजें आराम से समझ जाएंगे। सिमिलरली ये क्या है, कीट हेमिकीटल्स, राइट, एंड कीटल्स, ये भी नहीं देते, राइट। नाउ गाइस ये तो पढ़ने के बाद अब हमें इसके आगे देखते हैं बेसिकली रिएक्शन में होता क्या है। नाउ गाइस टेस्ट के लिए हमें सबसे पहले फ्रेशली प्रिपेयर्ड टोलेंस रिएजेंट बनाना पड़ता है, बिकॉज गाइस नॉर्मली जो उसकी शेल्फ लाइफ है जो टोलेंस रिएजेंट की बहुत कम होती है और ये जल्दी डिग्रेड हो जाता है, तो हम जब भी रिएजेंट बनाते हैं तो उसे हमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड यूज करते हैं, राइट। नाउ इसको बनाते कैसे, सिंपल गाइस, क्या होता है कि आपने AgNO3, राइट, AgNO3 लिया सिल्वर नाइट्रेट, राइट, एक्वस फॉर्म में, राइट, यानी सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया आपने, उसमें क्या करेंगे कि आप NaOH डाल देते हैं, या सिंपल शब्दों में बोलूँ तो कोई एल्कली डाल देंगे, स्ट्रोंग एल्कली डालेंगे, राइट, जिसमें OH नेगेटिव से रिप्लेस कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, और एक या टू ड्रॉप्स ही डालते हैं बस। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन आपने टेस्ट ट्यूब में लिया, राइट, अगेन इसमें आपने एक दो ड्रॉप OH नेगेटिव की डाल दी, यानी कोई एल्कली डाल दी, फिलहाल आप इसमें NaOH, KOH कुछ भी ले सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिए, मतलब स्ट्रॉन्ग एल्कली होनी चाहिए, राइट। जब ये इसमें डलेगा गाइज, ये क्या कन्वर्ट में हो जाएगा, एक ब्राउन कलर्ड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको आप बोलते हैं सिल्वर ऑक्साइड। ये क्या है गाइज, एक ब्राउन कलर्ड का कॉम्प्लेक्स, ब्राउन कलर्ड सॉलिड रहता है। नाउ गाइज डार्क ब्राउन Ag2O को आप बोलते हैं सिल्वर ऑक्साइड, या बोल सकते हैं आप सिल्वर वन ऑक्साइड, राइट। ये बेसिकली सॉलिड कलर है, यानी PPT की फॉर्म में बैठ के चला जाता है, ओके। नाउ अगर आप इसको बात गौर से देखें गाइस, सिल्वर वन ऑक्साइड, इसका मतलब जो सिल्वर की इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस वन है, यानी Ag+1 की फॉर्म में है। और आप हमेशा ये याद रखें, राइट, ये बात नोट रखें कि अगर किसी भी रिएक्शन में एल्डिहाइड को अगर Ag+ भी लिख दिया, कहीं भी आप किसी उसमें Ag+ में देख पा रहे हैं, Ag+ आपको दिख रहा है, राइट, और उसके साथ अगर H2O या कोई हाइड्रोलिसिस बेसिकली के लिए आपको कुछ दिया हुआ है, तो आप हमेशा उसको क्या करें, ऑक्सीडाइज कर दें, डायरेक्ट कंप्लीट फाइनल ऑक्सीडेशन हो जाएगा, राइट। नाउ आपने क्या किया था, एक्वस सिल्वर नाइट्रेट को OH नेगेटिव की, यानी कोई भी अल्कली की एक दो ड्रॉप डाली, तो देखा आपने Ag2O का ब्राउन कलर का PPT बन गया, सॉलिड लिया। अब आप क्या करते हैं, ये ब्राउन कलर PPT बन गया, इसको आप फिल्टर कर लें, राइट, फिल्टर कर लिया आपने। अब फिल्टर करने के बाद इसमें आपने NH4OH डाल दिया, यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दी, या इसको मैं दूसरा बोल सकता हूँ कि एक्वस अमोनिया डाल दिया। एक ही दो तीन टर्मिनोलॉजी है गाइज, ये इसलिए बोल रहा हूँ मैं बार बार ताकि आपको समझ में आ जाए। जब आज गाइज इसमें ये डालते हैं तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलेगा डाइअमाइन सिल्वर हाइड्रोक्साइड, यानी AgNH3, राइट, ट्वाइस, सॉरी दोबारा लिख देता हूँ, और OH, राइट, यानी जो मेन इसमें गाइस रोल प्ले करता है वो रोल प्ले करेगा Ag डाइअमाइन कॉम्प्लेक्स, जो कि है ये, राइट गाइस। और जो मैंने आपको बताया ये जो है, इसी को आप टोलेंस रिएजेंट बोलते हैं।
आपने सबसे पहले प्रिपेयर तो कर लिया टोलेंस रेजेंट, ओके ना, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद गाइस पहले तो ये देख लीजिए, अब जो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपने डाला उसमें होता क्या है कि जो ये ब्राउन कलर का पीपीटी था ये डिजोल्व हो जाता है कंप्लीट, और ये क्लियर कलरलेस बन जाता है, राइट। जो ब्राउन पीपीटी है वो डिजोल्व हो जाता है, तो आपको प्रेजेंट पता लग जाएगा कि टोलेंस रिएजेंट आपका बन गया। नाउ अब आपकी बात हुई एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन। रिएक्शन बेसिकली गाइज ये एक रिडोक्स रिएक्शन होती है टोलेंस रिएजेंट के साथ। इसका मतलब एक पार्ट तो होगा ऑक्सीडाइज, जाहिर सी बात है, हम एग्जाम्पल लेते हैं RCHO, ये जाहिर सी बात है ऑक्सीडाइज होगा अगेन, और कोई दूसरा पार्ट होगा जो कि रिड्यूस होगा, और रिड्यूस होता है गाइज यहाँ पे जो Ag आयंस, जो कि मैंने आपको बताया था कि इम्पोर्टेंट है पढ़ना। ना गाइज RCHO को जब भी आप AgNH3OH, राइट, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि डाइअमाइन कॉम्प्लेक्स है, राइट, इन बेसिक मीडियम, राइट, एक ही बात है, जब भी आप इससे रिएक्ट करते हैं ये ऑक्सीडाइज हो जाता है RC डबल बॉन्ड OOH, लेकिन H यहां पे से गाइज हट जाएगा, राइट, क्योंकि बेसिक मीडियम है गाइज, बेसिक मीडियम में एसिडिक एच रिमूव हो जाता है, तो फाइनल जो आपका प्रोडक्ट बनता है ना गाइज की आप अगर कोई पूछेगा तो ये इस टाइप से बन जाएगा इंटरमीडिएट, ओके। सो ये ऑक्सीडाइज जब आप RCHO करोगे तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ये तो हुई आपकी गाइज ऑक्सीडेशन, राइट, ये तो हुआ आपका ऑक्सीडेशन। नाउ व्हाट अबाउट रिडक्शन? रिडक्शन में गाइज Ag जो आयंस हैं, राइट, Ag आयंस वे क्या करते हैं, वे रिड्यूस हो जाएंगे Ag में, यानि एलिमेंटल सिल्वर, सिल्वर जो है गाइज वो उसका पीपीटी डिजोल्व हो जाता है, सॉरी डिजोल्व कह रहा हूं, पीपीटी बन जाता है, और इसी वजह से गाइज जो हम इसको बोलते हैं पीपीटी बन जाता है, और कुछ इस टाइप से आपका टेस्ट ट्यूब में कलर आ जाएगा कि जैसे टेस्ट ट्यूब है और यहाँ पे सिल्वर कलर बन जाएगा, और सिल्वर कलर आने की वजह से ही इसको बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। और ये दिखता कैसा है, कुछ ऐसे दिखेगा गाइस, जब आप टेस्ट ट्यूब में देखा तो ये अगर पॉजिटिव टेस्ट दिया तो कुछ इस टाइप का सिल्वर कलर बन जाएगा, यानी Ag एलिमेंटर Ag का पीपीटी, और अगर ये नेगेटिव टेस्ट होगा तो नेगेटिव टेस्ट का मतलब ये कुछ नहीं होगा, कलरलेस ही लिक्विड रहेगा, ओके। सो ये नेगेटिव और पॉजिटिव टेस्ट था। सो गाइज ये क्या हुआ, इस इधर से आपका हुआ रिडक्शन। नाउ गाइज गाइज ये हैं कंप्लीट रिएक्शंस, अगर आप देखना चाहें ये था स्टेप वन, राइट, जिसमें आपने सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में 1 or 2 ड्रॉप्स OH नेगेटिव डाली थी तो Ag2O मिला था। बेसिकली इसमें आपको एक ट्रिक बताता हूँ याद रखने के लिए, AgNO3 में गाइज Ag आयंस है, राइट, Ag आयंस है, और क्या होगा कि जब OH नेगेटिव के साथ जब ये मिलते हैं दो OH नेगेटिव के साथ तो ये AgOH बनाते हैं। अब इस टाइप के दो AgOH जब मिलेंगे तो डिहाइड्रेशन होता है, राइट, डिहाइड्रेशन होगा जिसमें वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और एक H2O निकल जाएगा, राइट, और इससे फाइनली आपका Ag2O बन जाता है, क्योंकि डिहाइड्रेशन प्रोजेक्ट है तो ये सॉलिड का होता है, दैट इज वाई ये हमारा मिला। सिमिलर गाइज ये स्टेप टू है जिसमें आपका बोल बेसिकली अमोनिकल जो सॉल्यूशन है वो आपने डालते हैं इसमें और आपका मेन ये जो कंपाउंड बन गया, और अगेन ये स्टेप थ्री है फाइनल जो टेस्ट है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी, वैसे ये जो कंप्लीट रिएक्शन गाइज किसी यूज़ की नहीं है। और गाइज ये तो था आपकी, आपने रिएक्शन देखी कंप्लीट रिएक्शन होगी ना, कुछ क्वेश्चंस बनते हैं कि जो ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स है या एल्काइन्स हैं ये, या ये इनफैक्ट RNHOH या ये सब, ये पॉजिटिव टेस्ट क्यों दे पाते हैं, राइट, क्योंकि हमें पता होना चाहिए, राइट। नाउ गाइज बेसिकली जो हम मैं इनका वन बाई वन आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ओके, और आई होप आपको समझ में आएगा। नाउ देखते हैं गाइज, पहला अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स, मैंने एक एग्जांपल लिया है, राइट, ये वाला, काफ़ी और दूसरे भी एग्जांपल बन सकते हैं। अल्फा पोजीशन पे क्योंकि ये C-O बॉन्ड है, ये हाईएस्ट हाई प्रायोरिटी होता है देन हाइड्रोक्सिल ग्रुप के, तो ये पोजीशन डिसाइड करेगा अल्फा ग्रुप की,
सो इसके अल्फा पोजीशन पे यानी अल्फा कार्बन पे OH जुड़ा है यानी अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। नाउ ये गाइस इनफैक्ट कीटोन होने के बावजूद भी पॉजिटिव ट्रेस ले देता है। बेसिकली क्या होगा गाइस, ये सबसे पहले टोटोमराइज होगा। आई होप आपको टोटोमराइजेशन पता होगा, राइट? टोटोमराइजेशन होगा। अभी होता कैसे है, मैं इसको दोबारा से ड्रॉ कर देता हूं कि राइट OH। ओके, अब क्या होता है कि टोटोमराइज होगा तो ये ओ यहां H इधर चला जाएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और आपको इनोल फॉर्म मिल जाएगी, राइट? तो इनोल फॉर्म किस तरह मिलेगी आपको, इस तरह से, राइट? सी एच एंड ओ एच, ये क्या है, इनोल, राइट? ये अगेन गाइस फिर से टोटोमराइज होगा, राइट? और इस बार टोटोमराइज कौन सा होगा, इस बार टोटोमराइज होगा ये वाला दूसरा। तो होता क्या है गाइस, ये जो H है ये अगेन इस पे शिफ्ट होगा एंड ये बॉन्ड इस पे ट्रांसफर हो जाता है। दो बार ट्रांसफर हुआ है। इसके पीछे जो लॉजिक है वो ये है गाइस के H। इसके पीछे गाइस सिंपल लॉजिक ये था कि जो एक कीटोन का ग्रुप है इसको मिडिल में से हमें शिफ्ट ट्रांसफर करना था साइड में, तो हमने दो बार टोटोमराइज करके देखा तो आपने सी डबल बॉन्ड बिल्कुल साइड में लिया है और देखा तो अब यहाँ पे एक ऑक्सीडाइजेबल एच प्रेजेंट है। अब क्योंकि यहाँ पे गाइस ऑक्सीडाइजेबल एच प्रेजेंट है तो क्या होगा, ये जब आप टोलेंस रिएजेंट देंगे तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ओके गाइस, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो आपको कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा। OH तो आप छेड़ेंगे ही नहीं, सी डबल बॉन्ड ओ है तो ओ नेगेटिव, राइट? ओके, सो दैट इज वाई कि पॉजिटिव ट्रेस देता है। नाउ अब देखते हैं कि जो किट एल्काइंस हैं वो पॉजिटिव टेस्ट क्यों देते हैं। नाउ गाइज बेसिकली जो टोलेंस रिएजेंट का केस है वो इन सबसे डिफरेंट है और थोड़ा सा ऐसे है क्योंकि आप थोड़ा एक बार ये सोच सकते हैं अजीब, क्योंकि ये देखिए टर्मिनल एल्काइन है, एच है, एक एसिडिक एच है। और जब भी आप इसको टोलेंस रिएजेंट्स के रिएक्शन करोगे ना तो ये बेसिकली सिल्वर मिलर टेस्ट से डिफरेंट है। कैसे, जब टोलेंस रिएजेंट गाइस इसमें जो बेसिक मीडियम है आपका OH नेगेटिव, राइट, तो वो क्या करता है इस एसिडिक एच को फैच कर लेगा, राइट? क्योंकि हमें पता है NH OH SH या ट्रिपल बॉन्ड CH है गाइस, तो उन पे जो ये H लगे होते हैं हाईली एसिडिक होते हैं, राइट? बिकॉज जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन एस सल्फर या ट्रिपल बॉन्ड CH है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। सो ये एसिडिक एच निकाल के गाइस ये क्या होता है कि यहाँ पे जो C है नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, राइट? और आप सिल्वर आयंस, तो ये आपका प्रेस जो वाइट PPT बन जाता है, राइट? तो बेसिकली सिल्वर मिरर टेस्ट तो नहीं देता ये। अगर आपसे सवाल पूछा क्या एल्काइंस सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं, नहीं, लेकिन टोलेंस रिएजेंट के साथ दे डू गिव एनी वन रिएक्शन जिसमें वाइट PPT बन जाता है। इसको क्या नाम है आपका, सिल्वर एसिटलाइड, राइट? तो ये इसलिए टर्मिनल एल्काइंस देते हैं। आपको मैं फॉर्मिक एसिड का रीजन तो बता ही चुका हूं कि फॉर्मिक एसिड में बिकॉज एक एच ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है। तो गाइस बेसिकली जब ये टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा तो ये H जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगी एंड OH बन जाएगी, राइट? अगेन ये क्योंकि एक कार्बन पे दो OH अनस्टेबल होते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका CO2 में बन जाएगा। कैसे, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O हो जाएगा। ये क्या होता है, CO2 गैस। यानी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि फॉर्मिक एसिड को जब आप सिल्वर नाइट सिल्वर मिरर टेस्ट करते हैं या टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कौन सी गैस रिलीज होती है, तो ये होता है CO2 गैस। नाउ गाइस लास्ट आए आपके दो टाइप के बनते हैं, एक तो हेमी-एसिटल कीटल्स, राइट, एसिटल्स एंड कीटल्स, और एक बचता है आपका एंड में अल्फा हाइड्रोक्सीमीन्स, राइट गाइस? सो इससे पहले देखने से पहले मैं आपको एक बताता हूँ गाइज, बेसिकली क्या है कि जो अल्फा हाइड्रोक्सी अमीन्स हैं उसका रीज़न थोड़ा उल्टा है। अल्फा हाइड्रोक्सी अमीन्स खुद वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, राइट गाइज? ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, तो इसका मतलब ये जब भी आपका AgIN देखते हैं, राइट गाइज, जब भी आपका AgIN देखेंगे तो ये क्या करेगा, उसको खुद रिड्यूस कर देगा
और रिड्यूस कर देगा तो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसका मतलब टोलेंस रिएजेंट के साथ ये पॉजिटिव चार्ज देते हैं, राइट गाइज, समझ में आया होगा आपको। नाउ इनका केस क्या है गाइज, हेमीएसिटल कीटल आप कंफ्यूजन में हो तो ये होते गाइज, अगर एक कार्बन है राइट, उसमें देखिए एसिटल्स तो वे हैं जिसमें एक एच और सी एच थ्री जुड़ा है, और कीटल्स वो हैं जिसमें एक साइड एक सी पे दो आर ग्रुप जुड़े हैं, राइट। हेमी जब हो जाएगा, हेमी जब होगा जब एक पे देखिए क्या होता है कि सी एच थ्री जैसे कार्बन है आपका, तो इधर सी एच थ्री जुड़ा है, ये तो आपका बताएगा जैसे कीटल बनाए कीटोन से, अगेन एसिटल बनाया एल्डिहाइड से, सी एस थ्री ये एच है, ये तो आपको ये दिखाता है ना। वो हेमी या वो कंप्लीट क्या होगा, अगर इस पे ओ एच जुड़ा है एंड ओ आर जुड़ा है राइट, तो ये क्या बन जाएगा, हेमी। अगर इस पे दोनों ही ओ आर ग्रुप जुड़े हैं तो ये हेमी नहीं होगा, राइट। तो क्योंकि अब ये कीटोन ग्रुप है तो ये क्या हुआ, हेमी कीटल। अगर क्योंकि एल्डिहाइड दोनों पे क्या हुआ, एसिटल, राइट गाइस। तो आई होप आपको समझ में आएगा। सो अब होता क्या है गाइस, जब ये टोलेंस रिएक्शन के साथ पॉजिटिव चार्ज एक्चुअली क्यों देते हैं, पहली बात तो हेमिक एसिटल में क्या होगा कि अगर ये OH नेगेटिव देगा तो बेसिक मीडियम की वजह से एच आयन निकल जाएंगे, राइट। तो एच आयन जब निकल जाते हैं तो ये कुछ इस टाइप से कंपाउंड मिल जाता है, राइट। अगेन ये रीअरेंज होगा और ये बॉन्ड टूट जाता है, राइट। तो ये क्या होगा, कुछ इस टाइप से आपका एल्डिहाइड बन गया, आप क्योंकि एल्डिहाइड बन गया बेसिक मीडियम में तो ये पॉजिटिव टेस्ट दे देगा। सिमिलरली अगर आपका हेमी कीटल है तो अगेन ये जो एसिडिक एच निकाल लेगा, राइट। तो सी एच थ्री और यहाँ पर देखेंगे तो ओ नेगेटिव ओ आर, राइट। तो अब क्या होगा, ये रीअरेंज होगा और ये निकाल देगा, तो आपका क्या बना, आपका बना कीटोन। इसका मतलब ये टेस्ट नहीं देगा। तो आपने क्या देखा कि जो ये वाला था इसने तो पॉजिटिव टेस्ट दे दिया, राइट, लेकिन जो कीटोन था उसका नेगेटिव टेस्ट आया, रेड से नेगेटिव। अगेन अगर आप ये देखें इसमें ओआर और ओआर में कोई क्या कहेंगे वो ग्रुप नहीं है, तो क्या होगा, क्योंकि तो टोलरेंस रिएक्शन क्या बेसिक मीडियम में नहीं है तो यहाँ पे कोई रिएक्शन ही नहीं होगी, इसका मतलब ये भी नेगेटिव देगा। सेम केस इसमें है तो ये भी नो रिएक्शन देगा, राइट गाइस। तो आपने क्या देखा, सिर्फ और सिर्फ जो हेमी एसिटल्स हैं वो ही आपका जो पॉजिटिव टेस्ट देगा। सो गाइस आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, राइट गाइस। जाने से पहले एक क्वेश्चन कर दीजिए, ये एच है, सपोज आपको Ag2O दिया हुआ है, राइट, एच राइट H3O की प्रेजेंस में तो क्या रिएजेंट होगा, आप ये कर देंगे इसको रिड्यूस और O नेगेटिव, अगेन H3O है तो यहाँ पे OH बना देगा, राइट गाइस। आई होप आपको समझ में आएगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।